एक चांगला मोठा शिंगवाला बोकडा होता, त्याने मला एक थोडंसं मला शिंग मारलं त्याच्यावर, तर अशी कॉमेडी झाली त्याच्यामध्ये. का त्यांना म्हणलं मी, अत्ते म्हणले मला सांभाळून जा म्हणले, ताई तुम्ही त्यांना म्हणलं घाबरू नका, मी त्या बोकडाला कापून खाऊ. वेलकम बैक टू आवर चैनल, माई सेल्फ कैश फैज, होप यू ऑल आर गोइंग वेल. और अभी आज है 26th of January 2022. हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू. और गाइज, आज का व्लॉग हम यहीं से शुरुआत करते हैं. जैसा रिसेंटली हमने जो व्लॉग शूट किया था लास्ट टाइम कुछ 22 जनवरी को, उसके बाद से हमने व्लॉग शूट नहीं किया. तो आज हमारा प्लान बन रहा है कि झंडा वंदन के लिए जाएंगे, इम्तियाज जलील साहब का न्यू ऑफिस की ओपनिंग है उसके लिए जाएंगे. तो चलिए गाइज, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. और मोहित भाई, कैसे हो? व्लॉग कहाँ तक पहुँचा अभी? अभी तो चालू कर रहे हैं व्लॉग देखने का. तो आज तो पर अपना व्लॉग है, इसका क्या होता करके गाइस. हेलो गाइस, सो कैसे आप लोग? माय नेम इज मोहित जजारी इनामदार, दिस इज माय फर्स्ट यूट्यूब व्लॉग. सो आज, वैसे तो हमने 3 साल पहले यूट्यूबर बनने का सोच लिया था, लेकिन आज काशिप भाई ने हमारे को बहुत मोटिवेट किया है और उन्होंने बोला आपका पहला व्लॉग जो है स्टार्ट कर लो आप, जो भी एडिटिंग रहेगा और जो भी आपका फर्स्ट व्लॉग कैसा बनाने का है वो आपको मैं बता दूँ. सो वैसे काशिप भाई को तो बहुत एक्सपीरियंस है यूट्यूब पे व्लॉग कैसा बनाए, क्योंकि भाई का एमपी कोरिंग बोलते एक यूट्यूब चैनल भी है. सो भाई को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो मेरे को लो लो व्लॉग में. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मोइज़ भाई चैनल. और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आज मोइज़ भाई का ये फर्स्ट व्लॉग है, और मैंने उनको ऐसा कुछ मोटिवेट वो नहीं किया, मैंने सिर्फ उनको बताया जो नॉर्मली चीज़ हर व्लॉगर ने या हर यूट्यूबर ने एक अपने फ्रेंड को जो न्यू बिगनर है उसको समझाना चाहिए. देखो व्लॉग अभी मोइज़ भाई ने जो स्टार्ट किए, अभी 1 मिनट का छुआऊंगा या 30 सेकेंड्स का छुआऊंगा तो उनका ऑलरेडी व्लॉग बन गया है. व्लॉग बनने के लिए आपको एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है. तो आज है 26th of January. तो गाइज, आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, 26th January की आपको सबको शुभकामनाएँ. और चलिए शुरू करते हैं. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I've been waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. बाइट्स लिया है इम्तियाज जलील साहब के, और यहाँ पर के जो मेंबर्स थे उनके बाइट्स लिया है. और अभी यहाँ हमारे फ्रेंड्स थे स्कूल के, तो थोड़ा डिस्कशन चल रहा था. जो प्रोग्राम था वो ऑलमोस्ट कवर हो गया है, और मैंने वो कवर कर LN न्यूज़ के ऊपर डाला हूँ. हुआ ये है मोइज़ इनामदार, तो इनसे हमारी मुलाकात हुई. हमारे जो फ्रेंड है जुनेद भाई, तो उनके फ्रेंड थे. तो इससे पहले हमारी एक बार पूना में मुलाकात हुई थी, और उन्होंने यहीं रहते हैं बैजीपुरा में रहते हैं. और इन्होंने भी आज इनका फर्स्ट व्लॉग स्टार्ट किया है. अब वो कब आता है क्या आता है मैं उसका आपको लिंक का उसको बोलता नहीं, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा कन्फ्यूजन है. ये है उबेद भाई, हमारे स्कूल फ्रेंड है. ये आखिब भाई, स्कूल फ्रेंड, MP साहब के ऑफिस में हमेशा आपको नज़र आएंगे. शेर सिद्दीकी भाई, और ये थे यहाँ पर टीम IJ, और इन्होंने हमें बहुत कॉपरेट किया. जो LN न्यूज़ के लिए हमने न्यूज़ बनाए थे, तो यहाँ पर ये भाई लोग का कॉपरेशन था हमारे साथ. चलिए आगे चलिए. सफियान भाई को चाय पीने के लिए लेके आए बाहर. कल समझो साचा के परसों के दिन शादी है, एक दिन बाकी है, कल का दिन बाकी है ना. आज है 7th of January 2022. और नौशाद और अभी शर्ट निकाल रहे हैं डिटेलिंग करने की उनकी. हमारे एंकर पटेल साहब, हाय गाइस. और पटेल साहब कैसे आप? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया ना. हमारे जो शाकिर भाई है जर्नलिस्ट, उनके साथ आया था ग्राम पंचायत खुल्दाबाद के अंदर. एंकर है पटेल साहब, वो भी आने वाले हैं. तो चलिए ग्राम पंचायत आपको बताता हूँ. और ये है शाकिर भाई, हाय जर्नलिस्ट. और शाकिर भाई, अच्छा क्या प्रोग्राम है?
आज जो सैयद इलिया साहब जो सरपंच है यहाँ के नंद्राबाग सुली बंजन, उनका आज जो तो इंटरव्यू लेने वाले है, उन्होंने जो काम करे तो उसके कामों के बारे में अपन आज चर्चा करने वाले हैं। अभी हमें सरपंच सर सैयद इलियास साहब के ऑफिस के बाहर इक्विपमेंट्स है, तो अब यहाँ पर हम एक शूट लेंगे और माइक यहाँ है। हेलो हेलो हेलो, तो हमारे साथ में पटेल साहब भी आए हुए हैं। पटेल साहब अभी थोड़ी देर पहले आए। पटेल साहब ऐसा कैसे बोल रहे तुम? पटेल साहब कौन है? फोटोग्राफर है स्पेशल वो। अभी इंटरव्यू किसका हुआ? हाँ, हमने आज जो तो खुलताबाद आए हैं सुलीबंधन गांव में, जहाँ से जो सरपंच है इस गांव के, उस सरपंच साहब का हमने इंटरव्यू लिया है और यहाँ की जो भी समस्या है, जो भी उन्होंने कार्य किया है, तो उनसे हमने उनसे जानने की कोशिश की है। उनका जो कार्य है बहुत ही सराहनीय कार्य है, जो तो जैसा उनकी जो ग्राम पंचायत की जो बिल्डिंग थी, जो वो छोटी सी थी पहले, तो उन्होंने उनके कार्यकाल में उसको बड़ा भी किया है और अच्छी माशाल्लाह बिल्डिंग बनाए हैं। और दूसरे जो तो बहुत सारे जो मुद्दे हैं उनके, जो गांव में जो तो जो गरीब तबका जो लोग हैं, जिनका शौचालय का लाभ उन्होंने मिला के दिए है, घर कुल योजनाओं का लाभ उनको मिला के दिए है, और अभी जो तो उनका जो रास्ते का जो मुद्दा है, राज्य के पर्यटन मंत्री है उद्धव ठाकरे साहब के जो लड़के हैं आदित्य ठाकरे साहब, तो उनको निवेदन भी दिए उन्होंने रास्ता पक्का बनाने के लिए। तो उनका काम बहुत ही अच्छा है और उनका कार्य भी अच्छा है, ग्राम पंचायत के मेंबर भी अच्छे हैं। पटेल साहब का काम तो बहुत तारीफ़ काबिल रहा है। अगर पटेल साहब नहीं रहते तो आज मेरा जो हमने फुटेज कवरिंग की है बहुत बेहतरीन किया है उन्होंने, फुटेज जो कवरिंग किए है, तो पटेल साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया। LN न्यूज़ को बुलंदी तक पहुँचाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और फ्यूचर में भी करेंगे, ये उम्मीद रखते हुए उनको फिर से एक बार शुक्रगुजार है। थैंक यू। अभी आप देख रहे हैं MK कवरी, अरे LN न्यूज़ और शाकिर सर का, पटेल सर का चैनल है। तो काय झाले आम्ही घरकुल योजनेचे जे जेने भेटले आहेत ना, त्यांचे आम्ही बाईट घेतोय, तर त्यांचे बाजूला एक त्यांचा तोकडा आहे, जे शेळी पालन करतात ते भी, तर चांगला मोठा शिंगोला बोकडा होता, त्याने मला एक थोडंसं मला शिंग मारलं त्याच्यावर, तर अशी कॉमेडी झाली त्याच्यामध्ये, का त्यांना म्हणलं मी अत्ते म्हणले मला सांभाळून जा म्हणले, त्याई तुम्ही त्यांना म्हणलं घाबरू नका, मी त्या बोकडाला कापून खाऊ। हमारे पब्लिक बाइट्स चल रहे थे और आपने जो अभी थोड़ा कॉमेडी सीन देखा, तो ये क्या हुआ था, वहाँ पर एक बकरा था, हमारे जो पटेल साहब है जो गाड़ी चला रहे हैं, तो उन्होंने बाइट ले रहे थे, शूट कर रहे थे, तो बकरे ने क्या करा, हमारे पटेल साहब को मार दिया जोर से। तो पटेल साहब ने बोले तो मैं देखो काट के खा जाऊंगा, बोले तो समझ रहे थे, तो फिर वो इंसिडेंट पटेल साहब ने मराठी में सुनाया आपको। हम सुबह आए थे 12 बजे के आसपास और अभी बज रहे 4:30 बजे, हमने हमारा लंच नहीं किए थे, तो अभी लंच करने के लिए हम बिस्मिल्ला होटल पर आए। सरपंच जो तो नंदु हरते, पहले जो तुम्हारा चाचा थे ना वो भी सरपंच हट गए, तो तुम्हारे हटते नेक्स्ट टूर कहाँ पर रहने वाले? नेक्स्ट टूर अभी जो है तो वाजापुर का ऐसा डिसाइड कर रहे हैं, अभी उस पर अभी तो गुफ्तगु होने बाकी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर वाजापुर। सो गाइस, जैसा आपने लास्ट सीन देखा उसके अंदर का, हम बिस्मिल्ला होटल के अंदर थे, उसके बाद हम हमारे थोड़े काम करते करते चाय पी के, और अभी हम आ गए हैं औरंगाबाद में बाबा पेट्रोल पम्प के पास है, और बाबा पेट्रोल पम्प के पास ये कुछ न्यूज़ कवर कर रहे हैं शाकिर सर और पटेल सर। गाइस, ये दोनों बोलकर गए थे कि हम न्यूज़ कवर करेंगे, पर ये दोनों का तो फोटो शूट चल रहा है उधर। क्या फोटो खींच रहे थे कि न्यूज़ कवर कर रहे थे? न्यूज़ कवर करने का था, एक नहीं तीन वो लेना पड़ेगा, ये जो है तो ये रिटायर रनगाड़ा है, उसके आगे रिटायर वो छोटा वो तोप है, और उसके आगे जो है वालिद के वो रिटायर है, ये तीनों रिटायर है, मतलब ये फौज में इन्होंने 10-15 साल या 20 साल सर्विस दिए बाद रिटायरमेंट के बाद इनको सम्मान से इनको चौरस्ते पे रखा गया है, मतलब क्या रिटायरमेंट के बाद इसको भंगार में ना बेचते हुए इसको ना लगाया गया।